सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द केतन व्लॉग्स। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग 7 सीटर SUVs के बारे में, जो इंडिया में बहुत ही जल्द आने वाली है। सो गाइस, ऐसी बहुत सारी अपडेट्स आती रहेंगी, सो हमारे साथ बने रहिए एंड स्टे ट्यून्ड। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ जो 2 7 सीटर SUVs हैं, जो 2018 के नवंबर में ही लॉन्च होने वाली है। सो गाइस, वो दोनों कार्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गाइस, सबसे पहली कार जो है वो है अवेटेड मारुति सुजुकी आर्टिका। गाइस, आप पिक देख ही सकते हैं आर्टिका की। गाइस, ये नवंबर के अंदर लॉन्च हो जाएगी, 2018 नवंबर में। एंड ये मारुति के नए 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। डीजल इंजन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये डायरेक्टली कम्पीट करेगी महिंद्रा की मराजो को। और KUV100 को डायरेक्टली कम्पीट करेगी महिंद्रा की मराजो को मेनली। एंड गाइस, सेकंड कार है जो वो है महिंद्रा की आल्टुरस G4। आल्टुरस G4 जिसे आप XUV700 के नेम से भी जानते हैं। गाइस, आप देख ही सकते हैं, यही है आल्टुरस G4। इसका जो लॉन्च है वो 19 नवंबर को हो जाएगा फाइनली। एंड गाइस, ये कार डायरेक्टली कम्पीट करेगी टोयोटा फॉर्च्यूनर को। एंड गाइस, जो अपकमिंग टाटा हैरियर है उसे भी ये कार कम्पीट करेगी। गाइस, ये कार डीजल इंजन के अंदर आएगी, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक बोथ। एंड गाइस, ये कार पूरी फीचर लोडेड होगी, एक भी फीचर की कमी नहीं होगी। आप इसके अंदर सनरूफ भी दिया जाएगा, डायरेक्टली टोयोटा फॉर्च्यूनर को कम्पीट करेगी डिज़ाइन में भी। बस डायमेंशन वाइज थोड़ी फॉर्च्यूनर से छोटी होगी, बाकी ऑलमोस्ट फॉर्च्यूनर से अच्छी ही जाएगी ये कार, नो डाउट। कार फुली लोडेड है फीचर से। सो गाइस, ये तो हो गया आल्टुरस G4 के बारे में। एंड गाइस, मैं आपको आर्टिका के बारे में बताना भूल गया था। आर्टिका के अंदर जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आ रहा है उसके अंदर 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आएगा। एंड अगर ऑटोमेटिक में लेना चाहते हैं आप तो 4 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आएगा। सो गाइस, ये तो हो गया जो 2018 के अंदर कार्स लॉन्च होने वाली है। अब बात करते हैं 2019 में जो कार्स लॉन्च होने वाली है। सो गाइस, 2019 में जो कार्स लॉन्च होने वाली है उनमें सबसे पहली कार तो है टाटा हैरियर 7 सीटर। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल टाटा हैरियर जो है वो आएगी पहले 5 सीटर में, एंड देन 7 सीटर वर्जन आएगा इसका इसी टाइम पे 2019 के नवंबर और दिसंबर में। टाटा हैरियर डाइमेंशंस वाइज थोड़ी छोटी रहेगी महिंद्रा आल्टुरस एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर से। एंड ये कंपीट करेगी दोनों ही कार्स को, महिंद्रा आल्टुरस एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर को। 7 सीटर की प्राइसिंग 5 सीटर से थोड़ी 2-3 लैक्स
अप रहेगी, आप इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18 से 22-25 लाख तक, 7 सीटर की प्राइसिंग। एंड ये 2 लीटर डीजल इंजन के साथ आएगी, टाटा हैरियर। इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सो ये तो हो गया टाटा हैरियर के बारे में। एंड गाइस, सो जो नेक्स्ट कार है वो है डेटसन की तरफ से, डेटसन गो क्रॉस। ये जो डेटसन गो क्रॉस है गाइस, ये डेटसन गो प्लस का अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं आप। ये थोड़ी फीचर से लोडेड होगी एंड 7 सीटर ही है, फीचर से लोडेड होगी फुली। टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाएगा एंड इंजन वाइज सेम रहेगी गो प्लस की तरह। टच स्क्रीन इंजन में, टच स्क्रीन आपको स्टीरियो मिल जाएगा एंड रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, 2 एयरबैग्स, फ्रंट 2 एयरबैग्स प्लस ABS विद EBD सेफ्टी के अंदर मिल जाएंगे आपको। स्टैंडर्ड ही रहेंगे 2 एयरबैग्स विद ABS विद EBD। सो ये तो हो गया डेटसन गो क्रॉस के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। नेक्स्ट कार आती है रेनॉल्ट की तरफ से, रेनॉल्ट RBC। गाइस ये जो है रेनॉल्ट RBC, ये डायरेक्टली कम्पीट करेगी गो प्लस और गो क्रॉस को। ये भी 2019 में ही लॉन्च होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही है कि महिंद्रा अल्टुरस, G4 एंड आर्टिका को छोड़ के जितनी भी कार्स मैं आपको बताऊंगा ये सब 2019 में ही लॉन्च होगी। रेनॉल्ट RBC ये आएगी 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ एंड डीजल इंजन में आएगी 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ, एंड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो ये तो हो गया रेनॉल्ट की RBC के बारे में। एंड गाइस, जब भी ये सारी कार्स लॉन्च होगी आपको इनका डिटेल रिव्यू साथ साथ मिलता रहेगा। सो हमारे साथ स्टे ट्यून्ड बने रहिए। सो अब नेक्स्ट कार की तरफ मूव करते हैं गाइस। RCB के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, सॉरी RCB आएगा, RBC नहीं है उसका नेम, RCB के बारे में आपको मैंने बता दिया है। सो नेक्स्ट कार जो है वो आती है फोर्ड एंडेवर। जी हाँ, काफ़ी लंबे समय के बाद फोर्ड एंडेवर को भी एक फेसलिफ्ट मिलने वाला है, जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और दिए जाएंगे। मेरे हिसाब से वो फीचर्स होंगे वो स्टार्ट स्टॉप बटन, वेंटिलेटेड सीट्स, एडवांस क्रूज कंट्रोल और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। और गाइस, वैसे तो ये कार फुली फीचर लोडेड है, स्कोडा कोडियक एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर इन दोनों कार्स से तो डायरेक्टली कंपीट करती है। बस ये कुछ जो है कुछ फीचर्स की वजह से मार खा जाती है, बाकी जो ये कार है, कार इज़ वेरी गुड। इसलिए जिस फीचर्स की वजह से ये मार खाती है, इसलिए अब जो फोर्ड है वो इसे फेसलिफ्ट वर्जन देने वाली है, फेसलिफ्ट लाने वाली है फोर्ड एंडेवर का। सो गाइस, यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ नई, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले कि जब भी मैंने नई वीडियो डाली है। सो गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो। कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछ लेना एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, केतन_ब्लॉग्स_YT के नेम से, केतन
यानी केतन ब्लॉग्स YT, एंड फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। लव यू ऑल, एंड ज़रूर बताना कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो। सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, सो स्टे ट्यून्ड।